ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और ये हाथों का ना खत्म होने वाला लामुतनाही एक सिलसिला है जो जारी सारी है, और यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि शफाक साहब मेरे साथ हैं, अब्दुल्ला मलिक साहब मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ भी तदफीन की काफ़ी जगह मौजूद है, और ये हाथा भी मौजूद है, और इसको ये हुजरा बना के एक कमरा सा बना के इसे लॉक किया गया है, और आम बंदे की रसाई यहाँ तक मौजूद नहीं है, और रसाई से मुराद तदफीन है। कोई बंदा यहाँ तदफीन नहीं कर पाता, ना कर सकता है। इसके साथ आप देखेंगे कि हरा भरा जंगल लगा के फुल बूटों का तासुर दे के यहाँ बूटे वगैरह लगाकर ये तासुर दिया गया कि शायद ये जंगल है और यहाँ कोई जगह मौजूद नहीं है। थोड़ा करीब आए, अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा करीब आ जाएं तो ये सामने हाथा दिखा सकें। इसमें सिर्फ दो कब्रें हैं, बाकी सारे का सारा जंगल है, और ये जंगल जो है इसको बनाया गया है, लगाया गया है, उगाया गया है ताकि लोगों को तासुर मिल सके और लोगों को बतलाया जा सके कि भाईजान इधर तो जगह ही मौजूद नहीं है, ये तो सारे का सारा जंगल है। और वाकई जैसा कहा करते थे ना जंगल में जंगल का कानून, ये आपको जंगल में वाकई जंगल का कानून नजर आ रहा है कि कितने लोग बेचारे यहाँ जिनके पास जगह नहीं होती तदफीन हो सकती है, लेकिन हुकूमत की गलत प्लान की वजह से, करप्शन की वजह से ये हाल है कि यहाँ भी लोगों को कब्रें खरीदनी पड़ती हैं। खरीदने क्या, यहाँ पे तो बाकायदा कब्जे हो चुके हैं, इनको अभी भी शर्म नहीं आई कि तमाशा प्रोग्राम देखने के बावजूद इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं सलाम पेश करना चाहूँगा आपको, और मैं फिर सलाम पेश करना चाहूँगा जनाब अली अकबर कुरैशी साहब को कि अपने आज रात आपका प्रोग्राम देखने के बाद मंडे वाले दिन जरूर वो इसका भी एक्शन लेंगे, वैसे ही इसके हम कार्रवाई का कहेंगे जिस तरह उन्होंने मियानी साहब में किया था। अब हमारा सबका फर्ज बनता है, यहाँ पर जो सूरत हाल है वो मियानी साहब से ज्यादा खतरनाक है, वो इस वजह से है कि यहाँ पर जो कब्जे किए गए हैं जमीन कब्रस्तान की राजी पर उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, यानी कहीं पर आपने देखा कि एक इलामती कब्रें बनी हुई है, कहीं पर चार दीवारी हुई है, कहीं जंगल जंगल बना के उसको चार दीवारी करके सिर्फ अंदर दो कब्रें मौजूद है कैमरा में दिखा सके। एक ऐसा हाथा भी देखा जहां बकायदा 12 कब्रें हैं, नाम भी लोगों के लिखे हुए हैं, लेकिन वो फर्जी कब्रें हैं कि अल्लाह ताला जब उन्हें वफात देगा, जब अल्लाह उनकी रूह कब्ज़, लेकिन ये भी हम समझते कि बिदअत है कि एक आदमी मरा ही नहीं है उसके नाम लिखे हुए हैं, ये कितनी गलत बात है। और इंतजामिया ने ये देखिए जी, इसके मुल्हिका भी आपको छोटे छोटे हाथे कुछ मरलों पर मुहित, दो दो ढाई ढाई मरले की सूरत हाल भी आपके सामने है। ये आप करीब से अगर आप देखें तो ये देखें कि दो कब्रें बनाकर बाकी हाथा सारे का सारा जो है उसे कवर कर दिया गया है ताकि यहाँ, और ये कब्रों के ऊपर कब्रों वाला सिलसिला भी यहाँ मौजूद है। दीगर चीज़ें भी आपको दिखाते हैं, आज मियां मीर कब्रिस्तान का पूरा आपको विजिट दिखा रहे हैं, और यहाँ कोशिश करते हैं कि पूरा आपको दिखा सकें यहाँ की सूरत हाल, और ये भी आपको दिखा सकें कि सूरत हाल जो है वो किस कदर खराबी का शिकार है मियां मीर कब्रिस्तान के अंदर, और इसकी वजह से आपको यहाँ से करीब तरीन आकर पता चलेगा कि यहाँ सूरत हाल क्या है। यहाँ कांटे बहुत आउटस्टैंडिंग हैं जी, बड़े ज़बरदस्त हैं, पाँव में लगने की कैपेसिटी पूरी रखते हैं, जोगर समेत वो पाँव में लगते हैं। ये आप देख सकते हैं, करीब आए जरा कैमरामैन साहब, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये कोई 5 मरले होगा जी, ये जगह ज़्यादा है, ये जगह ज़्यादा है, तकरीबन 10 मरले से ज़्यादा ये जगह है। और आपने देखा है कि कब्रें कितनी बनी हुई हैं, सिर्फ दो कब्रें बनी हुई हैं, और जगह सारी क्वायर करके यहाँ पर एक जाली जंगल बना दिया गया है, पौधे लगा दिए ताकि अगर अभी कोई मैयत आए यहाँ पर दफनाने के लिए तो आप यकीन करें गौरखन कहेगा यार यहाँ पर जगह ही नहीं है, जगह बनाने के लिए कोशिश करते हैं, कोई सिफारिश ढूंढनी पड़ेगी आपको, फिर पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद अपने प्यारों को दफन करने के लिए यहाँ पर आपको जगह मिलेगी, अदरवाइज यहाँ पर आपको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि छोटे छोटे 5-5 मरले 10-10 मरले 4-4 कनाल के यहाँ पर हाथे बने हुए हैं जिन पर कब्जे हुए हैं, लेकिन जो असिस्टेंट कमिश्नर कैंट हैं उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जो कि उनको लेना चाहिए था, चाहे ये औकाफ की राजी है, चाहे ये ज़िले गवर्नमेंट के अंडर आती है, कानूनी तौर पर तो ये बन ही नहीं सकते। ये ऑपरेशन उसी वक्त शुरू हो जाना चाहिए था जब मियानी साहब का वतन एसी कैंट को ये मंसूख कर देना चाहिए था ताकि अदालत में बात जाती ना, अदालत में बात ना जाती, और वो खुद ये कार्रवाई करते ही डिक्लेयर करते कि ये चीज़ें गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किए जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं। पंजाबी में वो कहते हैं कि जेड़ा पन्नो वही लाल, यहाँ पर भी वही सूरत हाल है। ज़रीफ़ी की बात यह है कि लाहौर के तकरीबन 620 कब्रिस्तानों में यही सूरत हाल है, और ऐसे ही लोगों ने कब्जे जमा रखे हैं, और इन्हीं कब्जों के मतलब आपका टीवी प्रोग्राम तमाशा लाहौर न्यूज़ दिखा रहा है और अदालतें उस पर एक्शन ले रही हैं। अगर यही काम आपने करना है, अदालतों ने करना है, तो आप बताइएगा इशफाक के हुकूमतों का क्या काम है, वो लोकल गवर्नमेंट का क्या काम है, एसी का क्या काम है, मेयर का क्या काम है, सेक्रेटरी बलदियात का क्या काम है। देखें ये बड़ी सत्तर की बात है, हमें बार बार लोग फिर कहते हैं कि अदालतें सुओ मोटो लेते हैं,
इलेक्शन लेती हैं। अदालतें दूसरे काम नहीं करते, अदालतों में बहुत सारे केसेस लोगों के पढ़ने पड़े हुए हैं। ये भाई इसीलिए है कि ये भी ह्यूमन राइट्स से तल्लुक रखता है। जी हम इसी तरफ आ गए हैं कि जहां आपको दिखा सकें कि बड़ी बड़ी बेलें लगा के तासुर दिया जाता है कि शायद यहाँ कुछ भी नहीं है, और डॉग्स भी हैं इधर, कुत्ते भी हैं इधर। ये आप सूरत हाल देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है हाता जिसमें कुत्तों का बसेरा है, और यहाँ बेलें हैं बड़ी बड़ी। और अगर ये वाइल्ड डॉग होता तो उसने दौड़े लगा देनी थी, और सबसे आगे हमारे प्रोड्यूसर साहब ने होना था और सबसे पीछे हमने होना था। और सूरत हाल ये है, अब्दुल्ला मलिक साहब लो एक में बात करना, ये देखें जी ये हाथा जो है काफ़ी बड़ा हाथा है, इसको इसी तरह से बेलें बुलें लगा के जो है वो कवर किया हुआ है। अच्छा, इससे आगे भी कुछ हाथे आपको दिखाते हैं, इससे आगे आप हमारे साथ रहेंगे तो आपको हाथे दिखाएंगे। ये देखें, ये हम एक हाथे में आ गए, ये देखें आप, यहाँ किसी को अलाउ नहीं है कि वो तदफीन करवा सके, और यहाँ आराम से कोई 5-6 कब्रों की जगह निकल सकती है। ये वो हाथा है, लेकिन यहाँ पे भी कब्जा है, और इस कब्जे की वजह जो है वो अल्लाह ही जाने, पता नहीं कौन करवाता है ये कब्जे, और किसने ये अलॉटमेंट्स के राइट दिए। और जिस तरह मियानी साहब में हुआ ये कारोबार सारे का सारा, ये आप देखें ये हाथा था, और इसको जो है वो गिरा के छोटा थोड़ा कर दिया गया, लेकिन हाथे की जगह बरकरार है, 2 कब्रें आराम से इधर बन सकती हैं, सुकून से बन सकती हैं। ये एक और हाथा है, ये देखें, ये आपको बताते हैं एक और हाथा है, यहाँ भी कब्रों की जगह है मौजूद, और ये फर्जी कब्रें बनी हुई हैं। ये आप हाथा देख सकते हैं, बिल्कुल ये भी फर्जी, ये आप देख सकते हैं, और इधर की सूरत हाल भी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ भी ये हाथा भी मौजूद है, और दूसरा ये भी आपको दिखा सकते हैं कि इसके साथ ये देखें, ये हाथा जो है ये काफ़ी बड़ा हाथा है, और इसमें कम अज़ कम 25-30 कब्रें सुकून से बन सकती हैं, और गरीब बंदे को उसका राइट मिल सकता है। और यहाँ जब भी लोग आते हैं तदफीन के लिए, अच्छा, तो वो गिला करते हैं। अदालत से एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिस तरह उन्होंने मियानी साहब में पक्की कब्रों का बिल्कुल बैन कर दिया है, तो आपके प्रोग्राम तमाशा को भी वो देखते हैं, आपके प्रोग्राम तमाशा की तरफ से भी हम जनाब अली अकबर कुरैशी साहब को सलाम भी पेश करते हैं, खराज अकीदत भी पेश करते हैं कि उन्होंने बड़ा अजीम कारनामा सर अंजाम दिया। यहाँ पर इस कब्रस्तान में 3 से 4 इशू हैं। सबसे पहला इशू यहाँ पर गैर कानूनी खाते जो तमीर किए गए हैं उनको ख़त्म करना है। दूसरा इशू ये है कि यहाँ पर कब्र की 4 दीवारी मुकम्मल नहीं हुई। तीसरा इशू यहाँ पर यह है कि यहाँ पर लाइटिंग का इंतजाम नहीं है। अगर रात को किसी के रिलेटिव की वफात पा जाए तो वहाँ पर तदफीन के लिए लाइटिंग का इंतजाम नहीं है। चौथी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो कब्रों जो हाथे वागजर हों वहाँ पर सबसे पहले तदफीन होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि ये 7 कनाल का मामला नहीं है, यहाँ पर लग रहा है कि 50 कनाल का मामला है। जितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर हाथों पर कब्जा करके 4 दीवारी की गई है, और आम लोगों को उनके प्यारों को यहाँ पर उनको दफनाने से रोक दिया गया है, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है, और इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। अच्छा, एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैं ये समझता हूँ कि आपके तमाशा प्रोग्राम की वजह से 1962 के बाद उस्मान हमें पहली दफ़ा अदालत को भी पता चला कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसने मियानी साहब के जो फंड्स हैं उसने लोकेट कर लिए थे। अब अदालत हुक्म के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान में 1 करोड़ रुपया अदालत ने मियानी साहब के लिए मुख्तस करवाया। मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, जिन लोगों ने नेकी के काम किए हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि बाकी लोग भी इससे सबक सीखे, ये मुफाद आमा के लिए। अब मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि 200 भाइयों जो आप प्रोग्राम तमाशा देख रहे हैं, अब आपको अपनी कब्रों की प्यारों की कब्रों के लिए जगह मिल रही है तो आपको अब इनको महफूज करना है, आप दोबारा कब्जों ग्रुपों से छुड़वाना है, ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। और हर शहरी को जिस तरह प्रोग्राम तमाशा ने यह जिम्मेदारी, ये देखिए हमारा कैमरामैन दिखा सके तो ये कितना खूबसूरत खाता बनाया गया है यहाँ पर, और एक कब्र है, और उसके बाद देखिए आप सारा 4 दीवारी की गई है, यहाँ पर उसको रंग रोगन भी कर दिया गया है। सवाल ये है कि फिर अगर इसी तरह से कब्जे होने हैं तो फिर आम लोग कहाँ पर जाएं अपने प्यारों को दफनाने के लिए, तो ये काम असिस्टेंट कमिश्नर को करना चाहिए था, ये काम रियासत को करना चाहिए था, जो काम अब अदालत कर रही है। ठीक बात है, अब ये इशफाक ने बिल्कुल सही कहा, देखिए कितनी सतम जरीफी की बात है कि हम कब्रस्तानों में भी कब्जों से बाज नहीं आते, और ये ऐसी जगह है जहाँ पे भाई कफन में पॉकेट्स नहीं होते, जेबें खाली होती हैं। हमें सीखना चाहिए कि ये जगह जो हमारे लिए, हमारे प्यारों के लिए, हमारे आने वाले बुजुर्गों के लिए, माओ बहनों के लिए, बच्चों के लिए, हमें खौफ करना चाहिए। हमें आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ प्रोग्राम तमाशा के वजह से, खुदा के लिए जहाँ जहाँ बैठे हैं आपने घर बना रखे हैं तो वॉलंटरीली उसको छोड़ दें, ताकि एक
एक ऐसी मिसाल कायम हो सके कि शहरियों ने प्रोग्राम तमाशा देखने के बाद इंसानियत हमदर्दी रखते हुए ईमानदारी के साथ ये रकबे खाली कर दिए। और दूसरी जो मैं पहले भी रिक्वेस्ट की है कि जहाँ जहाँ भी पूरे लाहौर में प्रोग्राम तमाशा की ताजत से ये आपको कब्रें कब्रस्तानों में कब्जा ग्रुपों का खात्मा हो रहा है, वहाँ अपना अपने आप को वहाँ बिठाइए, वहाँ आवाज उठाइए, आवाज उठाइए कि यहाँ कब्जे हो रहे हैं। जी साहब ने ये एक ऑर्डर किया कि एक एसएस बताया कि पूरे लाहौर में बताएं कितने कब्रस्तान हैं और कितनी जगह पर कब्जा हुआ। तो सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड ने एक रिपोर्ट पेश की और उन्होंने कहा कि 80 कनाल राजी पर रायविंड में कब्जा हुआ था और 5-5 कनाल राजी पर कब्रस्तान की राजी पर बासर अफराद ने हवेलियां बना रखी थी। तो फिर लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर ही वो हवेलियां भी मस्मार की गई, वो 80 कनाल राजी वागुजार की गई और अब उस राजी की चारदीवारी करने के लिए लाहौर हाईकोर्ट ने भी अहकाम जारी कर दिए हैं ताकि दोबारा वहाँ पर कब्जा ना हो सके। और उस वक्त तक तमाम एसएचओ को ये ऑर्डर कर दिए गए हैं कि वो अपने अपने इलाके में उन कब्रस्तानों की एराजी की उस वक्त तक हिफाजत करेंगे जब तक वहाँ पर चारदीवारी नहीं होती। तो उससे भी बुरी सूरत हाल अब यहाँ पर है मियाँ मीर कब्रस्तान में, जहाँ पर बासर अफराद हैं या आप ये कह लें पैसे वाले लोग हैं या आप ये कह लें कि दबाव डालने वाले लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर बड़े पैमाने पर। आपका मतलब इशफाक आप ये कहना चाहते हैं कि गरीब आदमी जब मरता है तो बेचारा अपने प्यारे को तदफीन भी उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि इसलिए मुश्किल प्रोसेस है। 30-40 हज़ार की कब्रें कौन खरीदेगा। फिर फहद भाई आपको बताऊं कि इसी प्रोसेस में पता चला कि जब फिरोजपुर रोड पे बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनी गई हैं, वहां भी जो रास्ते बनाए गए हैं वो कब्रस्तानों में से बनाए गए हैं। अब जो अगला कदम होगा प्रोग्राम तमाशा की विसात से, हम जनाब अली अकबर कुरैशी साहब से गुजारिश करेंगे कि वो जो लैंड माफिया जिसने कब्रस्तानों की जमीनों पर अंदर सड़कें बना के अपनी कॉलोनियों को बचाई हैं उसका भी खात्मा होना चाहिए। फिर एक बात अच्छी बात यह है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे इशफाक ने भी पॉइंट आउट किया कि जो ऐसी रायवंड है उन्होंने अच्छा काम किया है, ऐसी सिटी ने अच्छा काम किया है। ये देखे आपको ये छोटे छोटे हाथे भी नजर आएंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ फूल बूटे उगाकर जो हैं वो हाथे बनाए गए हैं और एक एक दो दो इक्का दुक्का कब्रों की गुंजाइश भी यहाँ मौजूद है। लेकिन बुनियादी तौर पर तो डिक्लेयर कर दिया गया है कि शायद इधर कोई जगह ही मौजूद नहीं है। और यहाँ लोगों से बात जब हमारी हुई तो उनका बड़ा वाजे कहना था कि यहाँ हमें तो कब्रों के लिए अपने प्यारों की तदफीन के लिए किसी तरह की कोई जगह नहीं मिलती और यहाँ हमारे पास सिफारिश भी हो तो हमें जगह नहीं देते और हमसे कीमत की डिमांड की जाती है और हमसे कहा जाता है कि आप कीमत भरें और कब्र जो है उसे ख़रीद लें। तो कबूर की कब्रों की खरीदो फरोख्त का धंधा जो है वो मियाँ मीर में भी अरूज पर है, उसकी बड़ी मिसाल यहाँ हाथों का क़याम है और इन हाथों के क़याम के बाद लोगों की जो राइट टू एक्सेस है और तदफीन के राइट से वो लोग महरूम हो जाते हैं, जो कि बड़ा बुनियादी जुल्म है उनके साथ। और यहाँ इंतज़ामिया को चाहिए और एसी साहब को चाहिए कि इन सारे हाथों को फिल फॉर जो है ना सिर्फ कैंसिल किया जाए बल्कि हमारी ये गुजारिश है लाहौर हाई कोर्ट से कि हाई कोर्ट इसका नोटिस ले ताकि सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जा सके। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपके? जी अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ जी। अच्छा, तो इधर क्या कर रहे हैं आप, दुआ के लिए आए हैं? हाँ, मेरी वालदा की कब्र है। तो इधर हाथे उते बने हुए हैं वो देखें, और हवेलियाँ टाइप हाथे बना के लोगों ने जंदरे लगाए हुए हैं, जंदरा समझते हैं ताला है। तो ये क्या सूरत हाल है? क्यों आप जी, ये बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है उनके लिए, मतलब उन्होंने अपने लिए बना के अब आगे चले जाए। तो एक पूरा आज से मेरा ख्याल, मैं जो छोटा सा होता था जब से देख रहा हूँ वो कोई अपना नवाब साहब है उनके लिए जगह बनी, कोई 10 मरले की जगह उनके लिए। दो किस जगह? ये आगे आप जाएंगे ना थोड़ा सा आगे बाहर निकल के इधर पीछे, हाँ साथ में वो। ठीक है, मैं आपको ना कुछ और भी दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ खड़े खड़े आप देखें तो आप ये देखेंगे इस तरह के हाथे भी कायम है, जहाँ एक एक दो दो जो है उनको कब्रों को लेकर और इक्का दुक्का कब्रों की जगह भी मौजूद होती है, लेकिन उनको ये आप देख सकते हैं हाथा, इस तरह के हाथे हैं। और चार दीवारी आप देख सकते हैं कि चार दीवारी मना है, चार दीवारी खिलाफ कानून है और चार दीवारी के भी SOPs हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के मियानी साहब के मुतलिक आप वाज़े कवानीन और अहकामात जो हैं उनको देख चुके हैं और उसके बाद मियानी साहब में अक्रॉस द बोर्ड सबके हाथे जो हैं उन्हें मस्मार किया गया था। हम गुजारिश करते हैं लाहौर हाई कोर्ट से हाथों को भी मस्मार करने के ऑर्डर्स जो हैं वो जारी किए जाएं। आप हमारे साथ रहिए।